हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिताराणा यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं द गेम ट्रिपल एच की खबर के साथ। WWE ने अनाउंस कर दिया कि 28 और 29 जून को जापान में होने वाले WWE के लाइव इवेंट्स में ट्रिपल एच भी हमें फाइट करते हुए नजर आएंगे। ट्रिपल एच को जापान में फाइट करते हुए आखिरी बार 2008 में देखा गया था, लेकिन 11 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर हम ट्रिपल एच को जापान में फाइट करते हुए देखेंगे। और गाइस, WWE ने यह भी अनाउंस कर दिया कि ट्रिपल एच टीम अप करेंगे एज स्टाइल्स, कार्ल एंडरसन और लूक गैलोस के साथ, और वो फेस करेंगे बैरन कॉर्बिन, ड्रू मैकिंटायर, बॉबी लैशले और समोआ जो के 8-मैन टैग टीम मैच में। WWE आने वाले कुछ हफ्तों में और भी मैच अनाउंस कर देगी। जापान में यह इवेंट सिर्फ 2 दिन होगा, 28 और 29 जून को। तो गाइस, अब अगली खबर को बढ़ते हैं, जॉन मॉक्सली यानी डीन एम्ब्रोस के बारे में। हाल ही में हुए NJPW का पेपर व्यू इवेंट डोमिनियन में हमें काफ़ी शानदार मैचेस, WWE सुपरस्टार डेब्यूट और कई टाइटल मैचेस भी देखने को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं WWE फॉर्मर NXT स्टार हिडियो इटामी के बारे में, जिन्होंने कल NJPW डोमिनियन में अपना डेब्यूट कैंटा के नाम से किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो इस साल NJPW के अगले इवेंट G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट का भी हिस्सा बनेंगे। जॉन मॉक्सली ने अपने NJPW करियर की शुरुआत IWGP चैंपियन जूस रॉबिन्सन को हराकर की थी, और उन्होंने वो टाइटल भी अपने नाम कर लिया था। कल हुए NJPW डोमिनियन में डीन एम्ब्रोस का दूसरा मैच था, जहां उन्होंने शोटा ओमिनो को सिंगल्स मैच में हराकर अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। लेकिन मैच के बाद जॉन मॉक्सली ने प्रोमो कट करते हुए ये अनाउंस कर दिया कि वो इस साल NJPW G1 क्लाइमेक्स टूर्नामेंट का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट 6 जुलाई 2019 से शुरू होगा। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि कल NJPW डोमिनियन में हमें क्रिस जेरिको का भी मैच देखने को मिला था, जहां कजुचिका ओकाडा ने क्रिस जेरिको को हराकर अपना IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल रिटेन कर लिया था। तो गाइस, अब बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के बारे में। WWE ने कल की रॉ के लिए कुछ मैचेस और सेगमेंट अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइस, कल की रो के क्विक प्रीव्यू कुछ इस तरह हैं। कल की रो में मिस टीवी के स्पेशल गेस्ट होंगे WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन समोआ जो, और कल की रो में हमें एक रेसलमेनिया रीमैच भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा जैक राइडर, कर्ट हॉकिंस और द रिवाइवल्स के बीच में रॉक टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और साथ ही साथ कल की रो में हमें शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर की बेस्ट इन द वर्ल्ड सेलिब्रेशन भी देखने को मिलेगी। और गाइस, हमें देखना होगा कि ब्रोक लेसनर अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सेट रॉलिंस से कैश इन कर पाते हैं या नहीं, या ब्रोक पार्टी पोस्टपोन हो जाएगी। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।